हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं केमिस्ट्री फैकल्टी पंकज कुमार और यूपीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। हमें उम्मीद है आप अपने पूरे परिवार के साथ सकुशल और स्वस्थ होंगे। आइए आज जो हम लोग जहां तक पिछले क्लास में छोड़े हैं उसको और आगे बढ़ाते हैं। पांचवा लेक्चर तक आपको पता होगा, वो आप लोगों को भेजा जा चुका है, उसी को आज हम लोग फिर और आगे बढ़ाएंगे। पिछले क्लास में आर्हेनियस समीकरण पर हम लोग मैथमेटिक्स लगा के एक समीकरण लाए थे। याद कीजिए, वो समीकरण ऐसा था, लॉग के बराबर माइनस ई ए बटा 2.303 आर इंटू 1/t प्लस लॉग। इस समीकरण से हम लोग परिचित हैं। आर्हेनियस समीकरण पर ln लगाए थे तो यही समीकरण हम लोगों को मिला था, लॉग के बराबर माइनस ई ए बटा 2.303 आर इंटू 1/t प्लस लॉग। इस समीकरण का हम लोग ग्राफ भी खींचे थे, पता ही होगा आप लोगों को। इस समीकरण में ये जो आप ई ए देख रहे हैं, बताए थे इसको सक्रिय ऊर्जा पढ़ा जाता है, सक्रिय ऊर्जा को ई ए से सूचित किया जाता है। ये जो आप यहाँ कैपिटल आर देख रहे हैं और आर्हेनियस नियतांक जो कैपिटल ए है, ये तीनों ताप पर निर्भर नहीं करता। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है, चाहे वो बोर्ड का परीक्षा हो या कंपटीशन का हो। आप क्वेश्चन बैंक देखिएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन उसमें आपको मिलेगा। क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में से कौन ताप पर निर्भर नहीं करता है, अब विकल्प चार ठो देगा, या चाहे आपको कहेगा निम्नलिखित में से कौन ताप पर निर्भर करता है, वो विकल्प देगा, उसमें से कोई एक विकल्प सही होगा। तो आपको याद रखना है ई ए आर और ए ताप पर निर्भर नहीं करता, बहुत इम्पोर्टेंट। इस समीकरण में सक्रिय ऊर्जा कैपिटल आर और आर्हेनियस नियतांक ये तीनों ताप पर निर्भर नहीं करता। तो इसका मतलब ये जो के देख रहे हैं, जिसको दर नियतांक के नाम से लोग जानता है, ये ताप पर निर्भर करता है। दर नियतांक ताप पर निर्भर करता है, ताप बढ़ाने से दर नियतांक बढ़ेगा कि घटेगा, आप समीकरण देखकर पता कर सकते हैं। देखिए यहाँ माइनस लगा हुआ है, इसको प्लस करने के लिए इस कैपिटल टी को ऊपर ले जाना होगा, आ ऊपर वाले के साथ इसका सीधा समानुपाती का संबंध होता है। मतलब अगर ताप बढ़ाइएगा तो अभिक्रिया का दर नियतांक बढ़ जाता है, ताप बढ़ाने से अभिक्रिया का दर नियतांक बढ़ जाता है। मेरे कहने का मतलब है कि अभिक्रिया का दर नियतांक ताप पर निर्भर करता है, जबकि ये ई ए कैपिटल आर और कैपिटल ए ये तीनों ताप पर निर्भर नहीं करता है। तो हम लोग मान लेते हैं यदि के टी पर निर्भर करता है, तो मान लीजिए टी वन और टी टू ताप पर अभिक्रिया का दर नियतांक के वन और के टू है, क्रमशः के वन और के टू है, देखिए कुछ नहीं की, दर नियतांक ताप पर निर्भर करता था। इसका मतलब अलग अलग ताप पर अभिक्रिया का दर नियतांक अलग अलग होगा,
तो टी वन ताप पर अभी क्रिया का आदरणीय अतांक मान लिए हैं के वन, और टी टू ताप पर अभी क्रिया का आदरणीय अतांक मान लिए हैं के टू। टी वन ताप पर दरणीय अतांक के वन माने हैं, जबकि टी टू ताप पर दरणीय अतांक के टू माने हैं। अब इस समीकरण पर फिर सोचिए, अगर यहाँ हम लोग टी वन कर दें तो यहाँ के वन करना होगा, और अगर यहाँ टी टू कर दें तो यहाँ के टू करना होगा, जबकि और सब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी आपको तुरंत बताए कि कैपिटल आर, ई ए और कैपिटल ए ये तीनों ताप पर निर्भर नहीं करता है, ताप बदलने से उसका मान नहीं बदलेगा। तो टी वन ताप के लिए इस समीकरण को एक बार लिख लीजिए, तो ऐसा हो जाएगा लॉग के वन बराबर माइनस ई ए बटा 2.303 R इंटू 1/T1 प्लस लॉग ए। बहुत आसान, कुछ नहीं किए, इसी समीकरण का उपयोग हम लोग टी वन ताप पर किए, तो यहाँ टी वन किए हैं तो देखिए यहाँ पर के वन करना पड़ा, टी वन किए यहाँ के वन करना पड़ा। अब फिर हम लोग टी टू ताप पर उस समीकरण का यदि उपयोग करेंगे तो समीकरण ऐसा हो जाएगा लॉग के टू बराबर माइनस ई ए बट्टा 2.303 R इंटू 1/T2 आप प्लस लॉग। बहुत आसान, कुछ नहीं किए, टी वन लिखे तो यहाँ के वन करना पड़ा, यहाँ टी टू लिखे तो यहाँ के टू करना पड़ा। अब इस दोनों समीकरण पर सोचिए, बाद वाला समीकरण में से पहला वाला समीकरण घटा लीजिए, इसका ज़रूरत है हमें एक फॉर्मूला लाना है। आप चाहें तो पहला में से ही दूसरा घटा सकते हैं, लेकिन दूसरा में से पहला घटाने से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने में आपको आसान होगा, यहाँ से जो फॉर्मूला मिलेगा उस पर बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। तो दूसरा में से पहला को घटाइए, तो घटाइएगा तो यहाँ प्लस का चिन्ह है, माइनस हो जाएगा, माइनस है यहाँ प्लस करना होगा, यहाँ प्लस है माइनस होगा, मतलब दूसरा में से पहला घटाए हैं तो जहाँ पहला में प्लस होगा वहाँ माइनस हो जाएगा, जहाँ माइनस रहेगा वहाँ प्लस हो जाएगा, जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस हो जाएगा। अब घटा के लिख लीजिए, फाइनल समीकरण मिल जाएगा। लॉग के टू प्लस में आ लॉग के वन माइनस में, तो पहले प्लस वाला को ही हम लोग लिख लेंगे, वो हो जाएगा लॉग के टू आ माइनस लॉग के वन, पहले इसको लिखे फिर इसको लिख ली बराबर। प्लस वाला को पहले लिख लीजिए, ये प्लस में ये माइनस में, लिखेंगे तो होगा ई ए बट्टा 2.303 R इंटू 1/T1 माइनस है तो माइनस दीजिए, ई ए बट्टा 2.303 R आई इंटू 1/T2। ये वाला लॉग ए माइनस में आइए लॉग ए प्लस में, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए ऐसा समीकरण मिला, अब इसमें देखना होगा कि क्या हम इसमें कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए ई ए बट्टा 2.303 R इसमें भी है, आ ई ए बट्टा 2.303 R इसमें भी है, तो हम लोग चाहें तो इसको कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन लीजिएगा, समीकरण का रूप बदल जाएगा, तो जगह है नहीं मेरे ख्याल से, पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो कॉमन ले के हम लोग नया समीकरण बनाते हैं, ठीक, नोट कर लिए हम।
देखिए तो log k2 माइनस log k1, इसको ऐसा लिखा जाता है log k2 आबटा में k1। इसको समझे log x आ माइनस log y, अगर ऐसा हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं log x आ बटा y। आप ये भी कह सकते हैं log x बटा y बराबर होता है log x माइनस log y, दोनों भाग में होगा तो घट जाएगा, अगर x y गुना में रहता तो प्लस हो जाता। तो आपको याद रखना है कि log x माइनस log y को log x बटा y लिख सकते हैं, ठीक उसी तरीके से log k2 माइनस log k1 को आप चाहें तो लिख सकते हैं log k2 बटा k1। अब इधर आइए, इसमें ई ए बटा 2.303 आर कॉमन लीजिए, अब कॉमन लीजिएगा तो ऐसा हो जाएगा ई ए बटा 2.303 आर, यहाँ क्या बच जाएगा 1 बाई टी वन, लिख लीजिए 1 बाई टी वन, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दीजिए, ये तो कॉमन आ गया है तो यहाँ बच जाएगा 1 बाई टी टू, ऐसा फॉर्मूला आ जाएगा log k2 बटा k1 बराबर ई ए बटा 2.303 आर इंटू 1 बाई टी वन माइनस 1 बाई टी टू। बड़ी काम का ये फॉर्मूला है, बहुत सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन इससे आप बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना होगा इसमें जो T1 और T2 है दो अलग अलग ताप है, और जब भी इस फॉर्मूला में आप ताप रखिएगा तो केल्विन मात्रक में रखना होगा। इस फॉर्मूला के उपयोग के लिए आपको कुछ शर्त याद रखना होगा, इस फॉर्मूला में आप ताप जब भी रखिए तो केल्विन मात्रक में रखिए, तब आंसर सही आएगा। सवाल में अगर डिग्री सेल्सियस में भी दिया हो तो आप उसको केल्विन में बदल के टी वन टी टू का मान रखिएगा, तब आंसर सही आएगा। तो इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब पूछेगा तो देखिए कैसे पूछेगा, सक्रिय ऊर्जा का मान सवाल आपको देगा, जो देगा वो रख दीजिएगा, सवाल जो चीज़ देता है वो आपको कष्ट नहीं पहुँचाएगा, जो देगा जितना मान देगा उसको फॉर्मूला में रख देना। ये जो T1 देख रहे हैं ये ताप है, तो ताप का मान मान लीजिए सवाल आपको देगा, मतलब T1 T2 का मान देगा, K1 का मान देगा, अब पूछेगा आप बताइए K2 का मान क्या होगा, मतलब इसमें दो तीन चार पाँच, पाँच अज्ञात है, किसी चार का मान देख के पाँचवा आपसे पूछ सकता है, तो कोई भी पूछे हम लोग मान निकाल सकते हैं। आर का मान तो आप जानते हैं कैलोरी में दो होता है जबकि जूल में 8.31 होता है, ये तो नियतांक है, कैलोरी में रखिएगा तो दो, जूल में रखिएगा 8.31 हो जाएगा। इस फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना होगा, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। दो अलग अलग ताप पर अभिक्रिया का दर नियतांक माने थे हम लोग K1 और K2, T1 ताप पर दर नियतांक K1 और T2 ताप पर दर नियतांक माने थे K2। तो इस फॉर्मूला से हम लोग देखेंगे, आगे क्वेश्चन आएगा और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगला एक टॉपिक है तापमान गुणांक, इंग्लिश में लोग इसको टेम्परेचर को एफिशिएंट के नाम से जानता है। टेम्परेचर को एफिशिएंट हिंदी में तापमान गुणांक, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारा क्वेश्चन इस पर भी हम लोग बनाएंगे, आपको घबराना नहीं है। ये जो फॉर्मूला है जब तक इसका उपयोग नहीं कीजिएगा तब तक नहीं सीख पाइएगा कैसे इसको लगाया जाता है, आपको तो शुरू से हम बताते आ रहे हैं।
जब तक क्वेश्चन नहीं बनाइएगा तब तक थ्योरी को अधूरा माना जाता है। तो आप ये मत समझिए कि इसका काम ख़त्म हो गया। पहले हम लोग थोड़ा थ्योरी है वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन वगैरह सब जब बनाएंगे तो तब आपको 100% समझ में आएगा। घबराना नहीं है, क्वेश्चन हम लोगों को बनाना। तापमान गुणांक किसको कहा जाता है वो देखिए। 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन अंतर वाले दो भिन्न भिन्न ताप पर अभिक्रिया के दर नियतांक के अनुपात को तापमान गुणांक कहा जाता है। तापमान गुणांक कहा जाता है, याद रखना भी आसान है। तापमान गुणांक का परिभाषा लिखे 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन अंतर वाले दो भिन्न भिन्न ताप पर अभिक्रिया के दरनीयतांक के अनुपात को तापमान गुणांक कहा जाता है। अगर परीक्षा में आपसे तापमान गुणांक का परिभाषा पूछता है तो यही लिखना होगा। देखिए, इस परिभाषा से स्पष्ट है कि तापमान गुणांक कुछ नहीं है, दो भिन्न भिन्न ताप पर दरनीयतांक के अनुपात को तापमान गुणांक कहा जाता है। मतलब दो अलग अलग ताप पर दरनीयतांक के अनुपात को लोग तापमान गुणांक कहता है। लेकिन ध्यान रहे, शर्त है दोनों ताप में अंतर कितना का होना चाहिए, या तो 10 डिग्री सेल्सियस का या 10 केल्विन का। तो तापमान गुणांक कुछ नहीं है, वो तो नया चीज़ जो आएगा उसका परिभाषा देखिएगा स्पष्ट हो जाएगा। तो तापमान गुणांक अभी नया है, देखिए हम लोग परिभाषा देखे हैं, सब कुछ लग रहा है समझ में आ रहा है। तापमान गुणांक कुछ नहीं है, दो अलग अलग ताप पर दरनीयतांक का अनुपात है। लेकिन ध्यान रहे, दोनों ताप में अंतर या तो 10 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए या नहीं तो 10 केल्विन का होना चाहिए। इसलिए लिखे 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन अंतर वाले दो भिन्न भिन्न ताप पर अभिक्रिया के दरनीयतांक के अनुपात को तापमान गुणांक कहा जाता है। इस तापमान गुणांक को ईटा से सूचित किया जाता है। ईटा से सूचित किया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, तापमान गुणांक को हम लोग ईटा से सूचित करते हैं, इसको पढ़ा जाता है ईटा। ईटा के नाम से लोग इसको जानता है। ईटा का संकेत ऐसा होता है, आज के बाद केमिस्ट्री में कहीं भी आपको ऐसा लिखा हुआ मिले तो आप इसको पढ़िएगा ईटा, इसका मतलब होता है तापमान गुणांक। तापमान गुणांक को ईटा से सूचित किया जाता है। परिभाषा से हम लोग इसका फॉर्मूला भी बना सकते हैं। फॉर्मूला कैसा होगा, ईटा बराबर लिखा जाता है, जैसे मान लीजिए 35 डिग्री सेल्सियस पर दरनीयतांक ये, और दूसरा दरनीयतांक लेंगे हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस पर। मतलब ईटा बराबर हो जाएगा के 35 डिग्री सेल्सियस बट्टा के 25 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ आप लोग सोच रहे होंगे कि ये 35 और 25 क्या लिए आप, तो परिभाषा में बताए थे कि जो दो ताप लीजिएगा उसमें अंतर या तो 10 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए या नहीं तो 10 केल्विन का होना चाहिए। तो कोई भी दो ताप आप यहाँ रख सकते हैं, ये शर्त नहीं है कि 35 और 25 ही लेना है। आपका मन है तो 15 ले लीजिए, 5 ले लीजिए,
60 ले लीजिए, 50 ले लीजिए, दो ताप में अंतर 10 का होना चाहिए, चाहे वो डिग्री सेल्सियस में हो या केल्विन में हो। तो हम अपना तरफ से ईटा को ऐसे यहाँ लिखे हैं के 35 डिग्री सेल्सियस बटा के 25 डिग्री सेल्सियस। इसको आप पढ़िएगा 35 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया का दर नियतांक, और इसको पढ़िएगा 25 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया का दर नियतांक, या आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं के टी प्लस 10 आबटा में के टी। देखिए ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे टी ताप पर दरनीयतांक, आ इसको पढ़ा जाएगा टी प्लस 10 ताप पर दरनीयतांक। तो इस दोनों ताप में अंतर अगर आप निकालिएगा तो फिर वही 10 का आएगा, टी प्लस 10 में से आप टी घटाइए वही 10 आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब दोनों ताप में अंतर यहाँ भी 10 का है, आ दो ताप में अंतर अगर 10 का हो तो उस दो भिन्न भिन्न ताप पर अभिक्रिया के दरनीयतांक के अनुपात को तापमान गुणांक के नाम से जाना जाता है। तो ईटा का फॉर्मूला यही होता है, नोट कर लीजिए। देखिए कुछ क्वेश्चन अभी जो हम लोग तापमान गुणांक पढ़े हैं उस पर एक दो क्वेश्चन बनाएंगे तो थ्योरी परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन लिखे हैं कि एक अभिक्रिया का तापमान गुणांक 2 है, अभिक्रिया कोई है उसका तापमान गुणांक हम लोग अपने से मान लिए हैं 2 है। यदि इस अभिक्रिया के ताप को 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो दर नियतांक कितना गुना से बढ़ जाएगा। अभी जो हम लोग यहाँ लिखे थे ईटा बराबर हो रहा था के 35 डिग्री सेल्सियस आ बटा के 25 डिग्री सेल्सियस, इसी को ऐसे भी लिखे थे के टी प्लस 10 आ बटा में के टी। तो इसका मान 2 से 3 के बीच होता,
मतलब ईटा का मान प्रैक्टिकली 2 से 3 के बीच होता है। तो देखिए यहाँ जगह नहीं है, ब्रैकेट में हम लिख देते हैं प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली मतलब प्रायोगिक रूप से ईटा का मान 2 से 3 के बीच में होता है। इसका मतलब हुआ ईटा का मान 2 से कम नहीं हो सकता और 3 से अधिक नहीं होता, 2 और 3 के बीच में ही रहता है। 2.5 होगा, 2.7 होगा, 2.8 होगा, 2.9 होगा, मैक्सिमम 3 हो सकता है, उससे ज़्यादा ईटा का मान नहीं होता है। तो कोई पूछे प्रैक्टिकली ईटा का मान कितना होता है, तो आप यही कहिएगा 2 से 3, 2 से 3 के बीच में ईटा का मान रहता है। सवाल में भी आपको दिखाई दे रहा है, एक अभिक्रिया लिए हैं उसका तापमान गुणांक हम लोग 2 माने लिखे हैं। यदि इस अभिक्रिया के ताप को 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो दर नियतांक कितना गुना से बढ़ जाएगा। मतलब अभिक्रिया का ताप बढ़ा रहे, आप यहाँ नोट कर लीजिएगा 2 से 3, अब ब्रैकेट में यहाँ लिखना है प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली ईटा का मान 2 से 3 के बीच रहता है। सवाल से स्पष्ट है कि कोई अभिक्रिया है उसका ताप पहले 10 डिग्री सेल्सियस था और उस ताप को बढ़ा के 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया गया है, तो आपसे पूछ रहा है बताइए दर नियतांक कितना गुना से बढ़ जाएगा। एक बात तो स्पष्ट है, ताप बढ़ाने से दर नियतांक बढ़ता है, वो हम लोग इससे पहले जो समीकरण पढ़े हैं उसमें देखे, ऐसा समीकरण था लॉग के बराबर -EA/2.303R(1/T) प्लस लॉग। इसमें आपको बताए हैं कि इस माइनस को प्लस करना है तो कैपिटल टी को ऊपर ले जाना होगा और ऊपर वाले के साथ इस लॉग के का समानुपाती का संबंध होगा, मतलब ताप बढ़ाइएगा तो दर नियतांक बढ़ेगा। तो एक बात तो स्पष्ट है, ताप बढ़ाया जा रहा है तो दर नियतांक बढ़ रहा होगा। केमिस्ट्री में आपको बताए थे सीधे कह दीजिएगा बढ़ रहा है घट रहा है, उससे काम तो चलेगा नहीं, वो तो तुरंत पूछेगा कितना गुना से बढ़ रहा, वही सवाल पूछा है दर नियतांक कितना गुना से बढ़ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग कैसे निकालेंगे वो देखना। एक क्वेश्चन हम बनाएंगे इस टाइप का क्वेश्चन और सब होमवर्क दिया जाएगा, मेंटली प्रिपेयर होइए कि इस क्वेश्चन के बाद बाकी इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा वो अपने से आप बना लीजिएगा, उसके लिए ध्यान से देखना होगा। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाए, यहाँ मान लेते हैं ताप और यहाँ मान लीजिए दर नियतांक। ताप और दर नियतांक में संबंध सवाल में दिया हुआ है, बोला है कि ताप 10 से अगर 100 डिग्री सेल्सियस कर दें तो दर नियतांक कितना गुना से बढ़ जाएगा। शुरू में अभिक्रिया का ताप सवाल में दिया है 10 डिग्री सेल्सियस, तो 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया का दर नियतांक कुछ न कुछ होगा। मान लेते हैं 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर दर नियतांक है के, जो अभिक्रिया दिया है उसका दर नियतांक 10 डिग्री सेल्सियस पर कितना मान लें के, मान लीजिए के। अब 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर 10 से बढ़ा दीजिए, ताप को ध्यान रखना है 10 डिग्री सेल्सियस से ही बढ़ाते जाना है। देखिए 10 है तो 20 किए, तो 20 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया का दर नियतांक कितना हो जाएगा, तो वो आपको यहाँ से पता चलेगा। तापमान गुणांक 2 दिया है, मतलब 10 से अगर ताप बढ़ाते हैं तो दर नियतांक 2 गुना हो जाएगा। तापमान गुणांक अगर 3 देता तो 10 से ताप बढ़ाने पर दर नियतांक 3 गुना हो जाता, तो यहाँ 2 दिया है मतलब 2 गुना हो जाएगा, पहले के था तो अब यहाँ 2k हो जाएगा। फिर 10 से ताप को बढ़ाई 30 डिग्री सेल्सियस पर दर नियतांक कितना गुना होगा, तो 20 से 30 किए, फिर 10 का अंतर किए, दर नियतांक इसका तापमान गुणांक सवाल में 2 दिया है तो फिर 2 गुना हो जाएगा, 2k था तो 4k हो जाएगा। 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर
अभिक्रिया का दर नियतांक 8K हो जाएगा, इसका दोगुना होते जाएगा। 50 डिग्री सेल्सियस ताप पर दर नियतांक 16K हो जाएगा। 60 डिग्री सेल्सियस पर दर नियतांक 32K हो जाएगा। मतलब तो बहुत आसान लग रहा होगा, आप लोग भी सोच रहे होंगे ऐसा सवाल हो तो क्या बात है, इधर 10 से बढ़ाना, दर नियतांक दोगुना कर देना। यहाँ जगह है नहीं, हम ऊपर और लिख रहे हैं। 60 से अब कितना करेंगे, 10 से बढ़ाना है 70 डिग्री सेल्सियस। 70 डिग्री सेल्सियस पर दर नियतांक कितना होगा, 32 दुनी 64 के। ध्यान रहे यहाँ के का मतलब केल्विन नहीं समझिएगा, दर नियतांक है, 64 के हो जाएगा। 80 डिग्री सेल्सियस पर दर नियतांक फिर दोगुना हो जाएगा, 128 के हो जाएगा। 90 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया का दर नियतांक, इसका दोगुना कीजिए, 8 × 2 = 16, 2 × 2 = 4 = 5, आइए 256 के। 90 डिग्री सेल्सियस तक हो चुका, हमको ले जाना था 100 डिग्री सेल्सियस तक, क्योंकि सवाल में स्पष्ट लिखा था ताप 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 100 डिग्री सेल्सियस किया गया है। 90 से फिर बढ़ा दीजिए 10, हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस, ये भी दोगुना हो जाएगा, 6 × 2 = 12, 5 × 2 = 10, 1 = 11, 2 × 2 = 4 = 5, 512 के, सॉरी 512 के। इसका मतलब 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर दर नियतांक माने थे देखिए के, आ 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर दर नियतांक 512 के है। मतलब 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो दर नियतांक माने थे उसका 512 गुना हो गया है। नहीं समझे, 512 को के से गुना कीजिएगा तब ना ये 512 के आएगा। मतलब 10 डिग्री सेल्सियस से ताप बढ़ाकर अगर 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो अभिक्रिया का दर नियतांक कितना गुना से बढ़ जाएगा, तो देखिए स्पष्ट दिख रहा है 512 गुना से बढ़ जाएगा। तो आंसर यही होता 512 के, या चाहे हम लोग लिखते 512 गुना से बढ़ जाएगा, 512 गुना से बढ़ जाएगा। आंसर तो पता हो गया, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं लग रहा है। ये 10-10 से आप बढ़ा के इधर दोगुना करते जा रहे हैं तो ये लंबा तरीका हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 100 डिग्री सेल्सियस किया था तो हम लोग ये काम कर लिए इसे, लेकिन सोचिए अगर 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा के ताप 1000 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता तो तब तो 10 से बढ़ाते हुए हम लोगों का 2-3 घंटा ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए ये तरीका ठीक नहीं माना जाता। कम से ताप में वृद्धि होगा ताप ऐसे आंसर निकाल सकते हैं वो अलग बात है, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। तो आंसर हम लोगों को पता है, इसी को देखिए दूसरे तरीके से हम लोग कैसे बनाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए एक और मेथड है, उससे हम लोग इजीली आंसर तक पहुंच सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है ऐसा, K2 आबटा में K1 बराबर होता है ईटा टू दी पावर डेल्टी आबटा में 10। इस फॉर्मूला से भी आप दर नियतांक का मान निकाल सकते हैं, कितना गुना से बढ़ा है या कितना गुना से घटा है। इस फॉर्मूला को आपको ध्यान से देखना है और याद कीजिए, बताए थे दर नियतांक में और अभिक्रिया के दर में समानुपाती का संबंध होता है, और दो चीज में समानुपाती का संबंध होते एक के स्थान पर दूसरा रखा जा सकता है। ऐसा भी आप लिख सकते हैं R2/R1 बराबर ईटा टू दी पावर डेल्टी आबटा में 10। ऐसा क्यों लिखे, ऐसा इसलिए लिखे क्योंकि आप जानते हैं कि अभिक्रिया का दर नियतांक के समानुपाती होता है।
आ दो चीज में कहीं भी समानुपाती का संबंध हो तो आप चाहें तो एक के जगह पर दूसरा रख सकते हैं। वही कि के टू के जगह पर आर टू रखें, के वन के जगह पर आर वन रखें। इसका मतलब हुआ आर वन का मतलब कि पहला ताप पर अभिक्रिया का दर, आर टू का मतलब दूसरा ताप पर अभिक्रिया का दर। ये पहला ताप पर अभिक्रिया का दर नियतांक, ये दूसरा ताप पर अभिक्रिया का दर नियतांक। आइए ईटा तो तापमान गुणांक है, डेल्टी डेल्टी है ताप में परिवर्तन। तो आप अगर पूछेगा दर नियतांक कितना गुना से बढ़ जाएगा तो दर नियतांक वाला फॉर्मूला से आप पता कीजिए। अगर पूछेगा अभिक्रिया का दर कितना गुना से बढ़ जाएगा तो आप दर वाला फॉर्मूला से सवाल का जवाब दीजिए। तो अभी जो सवाल हम लोग लिखे थे उसमें आपसे पूछा था दर नियतांक कितना गुना से बढ़ेगा, मतलब इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना होगा। तो इस फॉर्मूला से हम लोग बना सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। ये दो फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन इस पर हम लोग बनाएंगे। ये दोनों फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना, एक तो के टू बटा के वन बराबर ईटा टू दी पावर डेल टी बाई टेन, दूसरा आर टू बटा आर वन बराबर ईटा टू दी पावर डेल टी बटा दस। ऐसा इसलिए लिखे क्योंकि आर और के में समानुपाती का संबंध होता है। ठीक, अब इस फॉर्मूला से भी आप अगर क्वेश्चन बनाते हैं, अभी जो क्वेश्चन लिखे थे तो आंसर वही आपको आएगा 512। तो इस फॉर्मूला से बनाइए उस क्वेश्चन को, उसी क्वेश्चन को बनाने का दूसरा तरीका लॉग के टू बटा के वन, सॉरी लॉग नहीं था, लॉग के टू, सीधे के टू बटा के वन बराबर था ईटा टू दी पावर डेल टी बटा में दस। दर नियतांक कितना गुना होगा ये निकालना है तो इस फॉर्मूला का उपयोग हम लोग करेंगे। सवाल में डेल टी का मान दिया था, डेल टी है ताप में परिवर्तन, 10 डिग्री सेल्सियस से ताप बढ़ा के 100 डिग्री सेल्सियस किया था, तब बताइए ताप में परिवर्तन कितना डिग्री सेल्सियस से हुआ। 100 में से 10 घटा लेते 90 डिग्री सेल्सियस होता, 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 10 डिग्री सेल्सियस ये बराबर होगा 90 डिग्री सेल्सियस, डेल्टी पता हो गया। ईटा का मान सवाल आपको दिया था दो, देखिए सवाल में स्पष्ट लिखा हुआ है, तो के टू बटा के वन निकालना है, निकाल लें के टू बटा के वन बराबर ईटा के जगह पर दो रखिए, ताप में परिवर्तन 90 रखिए, बटा में 10 है तो 10 रखिए, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का पावर 9। 2 के पावर 9 का क्या मतलब, इसका मतलब 2 को 2 से कितना बार गुना करना है, 9 बार गुना करना है। 9 बार गुना कर लीजिए, 2 गुना 2 गुना 2 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बार गुना हम लोग किए हैं 2 को 2 के पावर 9 का यही मतलब होता है, 2 को 2 से 9 बार गुना करना। गुना कीजिएगा तो कितना, 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 64 2 128 2 256 2 256 2 512। तो देखिए आंसर तो वही आ गया। फिर इसका मतलब हुआ कि 10 डिग्री सेल्सियस पर दर नियतांक जितना था, 100 डिग्री सेल्सियस पर दर नियतांक उसका 512 गुना हो जाएगा, आंसर यही होता 512। देखिए कितना आसानी से हम लोग बना लिए, ये फॉर्मूला केवल लिखे अपने आप यहाँ आ गया 2 का पावर 9, 2 के पावर 9 का मान 512 होता है। ये आसान तरीका है, आप भी कोशिश कीजिएगा ऐसे ही बना, नोट कर लीजिए, बहुत आसान है। साइंस पढ़ना बहुत आसान होता है,
अब देखिए इस टाइप का एक क्वेश्चन हम बना दिए, तो अब इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा वो आपसे बनना चाहिए। तो कुछ होमवर्क दिया जाएगा, वो आप अपने से घर से बना के लाइए। लेकिन उससे पहले हम लोग अभी एक फॉर्मूला ऐसा देखें, लॉग के बराबर माइनस ई ए बटा 2.303 आर इंटू 1/t प्लस लॉग। कहा जाता है कि जिस अभिक्रिया का सक्रियण ऊर्जा कम होता है उस अभिक्रिया का दर नियतांक अधिक होता है, होना भी चाहिए, समीकरण स्पष्ट बिना बुलाए बोल रहा है। माइनस यहाँ लगा हुआ है, इसको प्लस करने के लिए सक्रियण ऊर्जा को नीचे जाना होगा और नीचे वाले के साथ इसका व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होगा, मतलब एक बढ़ाइएगा दूसरा घटेगा, एक घटाइएगा दूसरा बढ़ेगा। तो कहा जाता है सक्रियण ऊर्जा कम होने से अभिक्रिया का आदरणीयतांक अधिक होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन यहाँ से भी उठा सकता है, तो आप नोट कर लीजिए, ये फॉर्मूला लिखिए या नीचे भाषा हम लिखा देते हैं। सक्रियण ऊर्जा कम होने से अभिक्रिया का आदरणीयतांक अधिक होता है। सक्रियण ऊर्जा कम होगा तो आदरणीयतांक अधिक होगा। अब देखिए ये सब चीज़ हम लोगों को लिखने में ठीक नहीं लगता है। जो समझदार स्टूडेंट होता है उसके लिए ये समीकरण ही काफ़ी है, ये भाषा वगैरह सब उसको नहीं चाहिए। ये समीकरण तो बिना बुलाए अपने आप बोल रहा है कि सक्रियण ऊर्जा अगर कम होगा तो उस अभिक्रिया का आदरणीयतांक अधिक होगा। यहाँ माइनस लगा हुआ है, इसको प्लस करने के लिए ई ए को नीचे लाना होगा और नीचे वाले के साथ इस लॉग के का व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होगा, मतलब अगर सक्रियण ऊर्जा कम करते हैं तो आदरणीयतांक अधिक होगा। वही बात भाषा में भी लिखा हुआ है, तो ये कोई नया चीज़ नहीं है, उसी से निकला हुआ है। कहा जाता है कि कम ताप पर अभिक्रिया यदि कम ताप पर हो रहा होता है तो ताप अधिक प्रभावी होता है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट, इसको समझिए। अभिक्रिया यदि कम ताप पर हो रहा होता है तो ताप अधिक प्रभावी होता है, इसका क्या मतलब? अभी हम लोग एक ठो फॉर्मूला ऐसा पढ़े थे, लॉग के टू आ बटा में के वन बराबर हो रहा था ई ए बटा 2.303 आर 1/t1 माइनस 1/t2, ऐसा फॉर्मूला अभी तुरंत पढ़े थे। मेरे कहने का मतलब है T1 और T2 ताप आप अलग अलग लीजिए, यहाँ लेते हैं T1 और यहाँ लेते हैं T2, समझिए। तो मान लीजिए कि T1 ताप है 270 आ T2 ताप ले लेते हैं 280, मतलब 270 से ताप बढ़ा के 280 किए, इसको यहाँ दिखा देते हैं, समझना है, लिखना ज़रूरी नहीं है इसको। 270 केल्विन पर मान लीजिए अभिक्रिया पहले हो रहा था, अब हो रहा है 280 केल्विन पर। एक बार ऐसा कर लीजिए, 280 केल्विन पर अभिक्रिया हो रहा है
और 10 से बढ़ा के 290 केल्विन तक ले जाते हैं ताप को। तो देखिए पहले अभिक्रिया कम ताप पर हो रहा था, अब बाद में अभिक्रिया अधिक ताप पर हो रहा है। तो अभिक्रिया जब कम ताप पर हो रहा होगा और तब अगर ताप आप बढ़ाइएगा तो अभिक्रिया का दर नियतांक अधिक से बढ़ेगा। समझिए लॉजिक है, अभिक्रिया यदि कम ताप पर हो रहा हो आ तब अगर आप ताप बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का दर नियतांक ज़्यादा से बढ़ेगा किसके तुलना में, जब अभिक्रिया अधिक ताप पर हो रहा हो आ तब अगर आप अभिक्रिया का ताप बढ़ाते हैं तो तब उस अभिक्रिया का दर नियतांक कम से बढ़ेगा, बढ़ेगा दोनों केस में, लेकिन तुलना हम कर रहे हैं कि अगर अधिक ताप पर अभिक्रिया हो रहा है आ तब ताप बढ़ाते हैं तो दर नियतांक कम से बढ़ेगा, लेकिन वही अभिक्रिया अगर कम ताप पर हो रहा हो आ तब अगर ताप बढ़ा देते हैं तो अभिक्रिया का दर नियतांक अधिक होगा। मतलब अभिक्रिया यदि कम ताप पर हो रहा होता है तो ताप अधिक प्रभावी होता है, याद रखना है इसको। और ये सब लिखना ज़रूरी नहीं है, वो यहाँ से ही स्पष्ट हो जाएगा, तो इसको नोट कर लीजिए। यदि अभिक्रिया का सक्रियण ऊर्जा कम रहता है तो ताप अधिक प्रभावी होता है, एक एक पॉइंट पर सोचिएगा तो समझ में आएगा। एक एक जो भी हम लोग अभी लिख रहे हैं ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकता है। लिखे हैं यदि अभिक्रिया का सक्रियण ऊर्जा कम रहता है तो ताप अधिक प्रभावी होता है, अभिक्रिया का सक्रियण ऊर्जा यदि कम हो तो तब ताप को अधिक प्रभावी माना जाता है, मतलब तब ताप बढ़ाने से अभिक्रिया का दर नियतांक या अभिक्रिया का दर ज़्यादा से बढ़ता है। फिर उसी टाइप का कंसेप्ट यहाँ, सक्रियण ऊर्जा अगर अभिक्रिया का कम हो आ तब अगर आप ताप बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का दर नियतांक अधिक से बढ़ेगा, ज़्यादा से बढ़ेगा। तो इस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना, बताए थे अलग अलग अभिक्रिया का सक्रियण ऊर्जा अलग अलग होता, किसी अभिक्रिया का सक्रियण ऊर्जा कम होता किसी अभिक्रिया का सक्रियण ऊर्जा अधिक होता। जैसे कोयला और पेट्रोल पर अगर हम लोग सोचें तो पेट्रोल के पास अगर आप माचिस का तिल्ली जला के जाते हैं तो एक माचिस के तिल्ली के कारण ही पेट्रोल भड़क उठेगा, उसमें आग लग जाएगा। लेकिन वही माचिस का तिल्ली अगर जला के आप कोयला के नज़दीक जाइएगा तो कोयला सुनेगा नहीं सुनेगा, इसका क्या मतलब? इसका मतलब हुआ कि पेट्रोल का सक्रियण ऊर्जा कम है, बाहर से कम ऊर्जा देने से ही वो अभिक्रिया कर लेता है, लेकिन कोयला का सक्रियण ऊर्जा बहुत अधिक होता है, कोयला को बहुत अधिक बाहर से ऊर्जा देना पड़ेगा तब उसमें आग लगेगा। मतलब अलग अलग पदार्थ का अलग अलग अभिक्रिया का सक्रियण ऊर्जा अलग अलग होता है। तो केमिस्ट्री के भाषा में हम लोग कहेंगे पेट्रोल का सक्रियण ऊर्जा कम है, एक माचिस का तिल्ली ही उसके लिए काफ़ी है, लेकिन वही कोयला का सक्रियण ऊर्जा बहुत अधिक है, क्योंकि एक माचिस का तिल्ली क्या 50 माचिस का तिल्ली अगर आप जला देते हैं तब भी कोयला में आग नहीं लगेगा, वो अभिक्रिया नहीं करेगा। अलग अलग अभिक्रिया का सक्रियण ऊर्जा अलग अलग होता है। तो तीन पॉइंट जो अभी लिखे हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना है इसको। और अब कुछ हम होमवर्क दे रहे हैं, अभी जो दो फार्मूला आज हम लोग पढ़े हैं उस दोनों फार्मूला पर क्वेश्चन दिया जाएगा, वो आपको घर से बनाना है। हम एक टाइप का क्वेश्चन बना दिए, हूबहू उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो होमवर्क नोट कर लीजिए। एक अभिक्रिया का तापमान गुणांक
2.3 है। यदि इस अभिक्रिया के ताप को 25 केल्विन से बढ़ा दिया जाए तो अभिक्रिया का दर कितना गुना से बढ़ जाएगा? अभिक्रिया का दर कितना गुना से बढ़ जाएगा? देखिए तो करा अभिक्रिया का तापमान गुणांक 2.3 है, मतलब ईटा का मान दे दिया। बताए थे ईटा का मान 2 से 3 के बीच में रहता है। देखिए सवाल से भी स्पष्ट है 2.3 है। यदि इस अभिक्रिया के ताप को 25 केल्विन से बढ़ा दिया जाए, ताप बढ़ाया जा रहा है तो एक बात तो स्पष्ट है, ताप बढ़ाने से अभिक्रिया का दर नियतांक या अभिक्रिया का दर बढ़ता है। तो अभिक्रिया का दर बढ़ा होगा तो पूछा है कितना गुना से बढ़ जाएगा। लेकिन ध्यान रहे दर पूछा है इस बार अभिक्रिया का दर पूछा है कितना गुना हो जाएगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में पूछा था दर नियतांक कितना गुना हो जाएगा, तो दर पूछा तो दर वाला फॉर्मूला आप लगा दीजिएगा। तो सवाल में जो जो दिया है पहले वो लिख लीजिए, दिया गया है। थोड़ा सा हम हिंट कर देते हैं बनाना आपको अपने। सवाल क्या क्या दिया है? ईटा का मान दिया 2.3, 25 केल्विन से बढ़ाया है ताप को, मतलब पहले जिस ताप पर अभिक्रिया हो रहा होगा उससे 25 केल्विन बढ़ा दिया है, मतलब डेल्टी का मान आपको दिया है। ये जो डेल्टी है उसका मान दिया है 25 केल्विन, तो डेल्टी भी पता है। तब तो फॉर्मूला लगा देते आंसर आ जाता है। कौन सा फॉर्मूला? ये वाला फॉर्मूला लगेगा R2/R1 बराबर ईटा टू दी पावर डेल्टी आबटा में 10। अब इससे ज़्यादा हिंट नहीं करें, इसी फॉर्मूला से आंसर पता हो जाएगा। R2/R1 का मान निकालना, R2/R1 जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, उतना गुना से बढ़ जाएगा। तो ईटा के जगह क्या रखिएगा 2.3, और डेल्टी के जगह पर यही 25 रखना होगा, आबटा में 10 है, गुना भाग करके जो आएगा आंसर हो जाएगा। तो आंसर आप नोट कर लीजिए ताकि आपको कॉन्फिडेंस है गुना भाग करने के बाद। इसका आंसर होगा, मतलब R2/R1 का मान आएगा 8.02। आंसर वही होगा 8.02, R2/R1 बराबर 8.02। ठीक, अगला क्वेश्चन नोट कीजिए। किसी अभिक्रिया के ताप को 30 केल्विन से बढ़ाने पर दर नियतांक को पंद्रह दशमलव तीन गुना हो जाता है, बढ़ जाता है। अभिक्रिया का तापमान गुणांक ज्ञात करें। क्या होगा अभिक्रिया का तापमान गुणांक आपसे पूछा है? कुछ नहीं, आसान क्वेश्चन है, जो जो दिया है पहले लिख लेते। सवाल देखिए क्या क्या दिया है।
अभिक्रिया के ताप को 30 केल्विन से बढ़ा रहा, मतलब ताप में परिवर्तन दे दिया, डेल्टी का मान दिया कितना 30 केल्विन, सीधे 30 हम लोग मान से मतलब रखेंगे, डेल्टी ताप में परिवर्तन 30। बोला है कि अभिक्रिया का दरनीयतांक 15.3 गुना से बढ़ जाता है, मतलब K2/K1 का मान दिया, दरनीयतांक K1 के तुलना में ये K2 कितना गुना है, इसको ऐसे हम लोग लिखे हैं K2/K1। सवाल ये भी दे दिया है 15.3 गुना बोला है। आप पूछा है अभिक्रिया का तापमान गुणांक क्या होगा, मतलब ईटा बराबर व्हाट, इस ईटा का मान आपसे पूछा है। आसान है, फॉर्मूला हम लोग लगा देते हैं, पढ़े हैं K2/K1 बराबर ईटा टू दी पावर डेल्टी बटा में 10। इसी फॉर्मूला से बन जाएगा, यही ईटा पता करना, K2/K1 के जगह पर यही 15.3 रखना होगा, ईटा के जगह पर सॉरी ईटा तो निकालना, डेल्टी के जगह पर 30 रखना होगा, अगुना भाग करके ईटा का जो मान आएगा आंसर हो जाएगा। आंसर नोट कीजिए, ईटा का मान यहाँ से आएगा, ईटा आएगा 2.5। आंसर भी लिखा दी, तो और भी क्वेश्चन है, लेकिन उस क्वेश्चन को एक ठोपले हमको बनाना होगा तब आपको समझ में आएगा। तापमान गुणांक पर जो क्वेश्चन था वो आपको दे दिए होमवर्क, और भी क्वेश्चन है लेकिन अलग टाइप का है, पहले एक ठो हमको बनाना होगा, अब बनाने में वो समय लगेगा, तो इतना रहने दीजिए, अगले क्लास में हम लोग फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। थैंक्स।